अलवर शहर से जुड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर नगर परिषद जहां कई तरह के दावे समय समय पर करता रहता है, वहीं मानसून के दौरान शहर में अधिकांश स्थानों पर पानी भराव की स्थिति को खत्म किए जाने के तहत अब अलवर नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा द्वारा नई मुहिम चलाते हुए उन तमाम नालों की सफाई व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है, जिसके चलते भविष्य में अलवर शहर की सड़कों पर भरने वाला बरसाती पानी लगभग समाप्त हो पाएगा। साथ ही अलवर नगर परिषद पॉपलैंड मशीन के माध्यम से अलवर शहर के हीराबाग से होकर 200 फीट बाईपास तक जाने वाले उस 60 फुट के नाले को भी साफ करने का प्रयास कर रही है, जिसमें लंबे समय से कचरा व गंदगी भरा होने के चलते अधिकांश नालों से जुड़ा पानी शहर से बाहर निकलने में हर बार नाकाम हो जाता है। जिसकी जानकारी देते हुए अलवर नगर परिषद आयुक्त कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि ठेकेदार द्वारा जहां सफाई व्यवस्था को लेकर कहा गया था कि ठेकेदार सफाई से जुड़े नालों की भी पर्याप्त सफाई कराएगा, वहीं लंबे समय से ठेकेदार अपनी जिम्मेदारियों को लेकर आनाकानी कर रहा था, जिसे अब नगर परिषद प्रशासन द्वारा सख्त रवैये से समझाया गया। तब ठेकेदार द्वारा आप पॉपलैंड मशीन के माध्यम से नालों की सफाई सुचारू की गई है, जिसके चलते भविष्य में अलवर शहर के विभिन्न मार्गों पर भरने वाला बरसाती पानी मिलने की संभावना लगभग समाप्त हो जाएगी। परिषद अलवर द्वारा जो शहर का मुख्य नाला है, जो कि हीराबाग से होते हुए 200 फीट बाईपास रोड पर जाता है, पूर्व की मीटिंग में भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा इस नाले की सफाई के लिए कहा गया था। पूर्व में यहाँ टेंडर किए कर दिए गए थे, लेकिन मशीन की उपलब्धता न होने की वजह से सफाई नहीं हो पा रही थी, तो हमने ठेकेदार को बॉन्ड करके और बाहर से मशीन पॉकलैंड मशीन बना करके जो नाला है पूरे की उसमें से पूरा, क्योंकि रिकॉर्ड में वो 60 फीट चौड़ा नाला है, तो हमने वहाँ पर उस पॉकलैंड मशीन की सहायता से उसको चौड़ा करवा रहे हैं। उसमें जो मलबा भरा हुआ है, जो पेड़ पौधे उगे, सफाई करवाई जा रही है। अभी 2 दिन ही हुए हैं जिसमें हमने करीबन 150 मीटर के आसपास उसको साफ करवा दिया गया है। आगे भी ये जितना भी जहाँ जहाँ पे भी कच्चा नाला है, इसके संपूर्ण नाले को हम साफ करवाने की कार्रवाई कर रहे हैं।